गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि वीडियो है पीआईआर सेंसर के बारे में। और इस वीडियो में हम पीआईआर सेंसर के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले कि आखिरकार पीआईआर सेंसर होता क्या और ये कैसे काम करता है और इसकी कोडिंग क्या है और इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पीआईआर सेंसर होता है वो किसी भी मोशन को डिटेक्ट करने में काम आता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक पीआईआर सेंसर लगा हुआ और वहाँ पे एक मैन और एक डॉग खड़ा है जिससे कि ये डिटेक्ट कर लेगा। पीआईआर सेंसर कैसे काम करता है, तो यहाँ से कुछ लाइटें ऑब्जर्व करता है, उसी की तरह से ये काम करता है। ठीक है, पीआईआर सेंसर में मैं बता दूँ तो क्या क्या होता है कि पीआईआर सेंसर में यहाँ पे दो क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियोमीटर होता है। और ये दोनों पोटेंशियोमीटर को हम लोग एडजस्ट करके इसके डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा सकते हैं और उसको डिस्टेंस में कितना स्पीड से उसकी रे को ट्रेवल करना है वो भी हम लोग इसको बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी कुछ नहीं जानते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर का क्या काम है, तो आपको सख्त इजाज़त है कि इसको ज़रूर सॉरी इसको कुछ भी ना करें। ठीक है, जब तक आपको पूरा जानकारी ना हो इस दोनों पोटेंशियोमीटर के बारे में, तब तक इसको छेड़छाड़ ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका पीआईआर सेंसर वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी ये पोटेंशियोमीटर की को अगर आप घुमाते हैं तो इसको एक निश्चित क्या बोलते हैं एक निश्चित माप से घुमाना पड़ता है और दोनों को सेम रख कर घुमाना पड़ता है। ठीक है, अगर इसको आप जितना घुमाएंगे उसी उसी के अनुसार अनुसार यहाँ पे उसको भी घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि पीआईआर सेंसर तो किसी भी मोशन को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर हमको असल में यूज़ करना है तो इसकी कोडिंग कैसे करेंगे और फिर इसका कोड क्या है और इसको वायरिंग कैसे करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, वायरिंग और कोडिंग को देखते हैं। तो यहाँ पे पहले समझते हैं कि पीआईआर सेंसर को मोशन डिटेक्शन कैसे करता है। तो जैसे देख लो कि मान लो कि मेरे घर में कोई भी एप्लीकेशन इस तरह से मैं बनाता हूँ कि मेरे हाउस के बाहर मैं इसको लगाता हूँ जो कि आगे और पीछे ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड के डायरेक्शन में ये ऑटोमेटिक मूव करता है। ठीक है, अब उधर से कोई पर्सन आएगा तो जैसे ही उसकी तरफ अपना फोकस करेगा तो वो इसको ऑब्जर्व कर लेगा कि हाँ एक मोशन आ रहा है और मोशन डिटेक्टेड यहाँ पे लिख के देगा जो कि हमारा सेंसर भेजेगा जहाँ पे भी हम लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं कि इसकी कोडिंग और वायरिंग की तरफ। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कोड बनाया है और यहाँ पे एक सिंपल सा हम लोग ने प्रोजेक्ट बनाया है इसके यूज से। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पीआईआर सेंसर है और एक बजर मैंने लगाया है। अब काम क्या करेगा कि जैसे ही पीआईआर सेंसर में कोई भी मोशन डिटेक्ट होगा ये बजर ऑटोमेटिक बजना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये बजर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। समझिए, तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हम लोग को वायरिंग कैसे करना है वो देखते हैं। तो पीआईआर सेंसर का जो दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को एज इट इज 5 वोल्ट और ग्राउंड में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जो सिग्नल वाली टर्मिनल होती है उसको आपको कोई भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 3 डिजिटल पिन को उससे कनेक्ट किया है। किसको? जो पीआईआर सेंसर है उसको मैंने 3 डिजिटल पिन से कनेक्ट किया है। उसके बाद मैंने एक बजर लिया, बजर को भी मैंने यहाँ से ग्राउंड दे दिया और ऊपर से मैं 13 पिन से इसको हाई वोल्ट दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से पूरी वायरिंग हो जाएगी और आई होप वायरिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो तो यहाँ से आप देख कर कर सकते हैं, नहीं तो मैंने पूरा समझा दिया कि कैसे इसकी वायरिंग होगी। ज़्यादा हार्ड नहीं है वायरिंग करना, आप बहुत ही ईजी सीख सकते हैं इसका वायरिंग। तो चलो आप चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ। तो इसको कोडिंग कोड कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन किया मैंने दो चीज़, पहला मैंने पीआईआर सेंसर लिया और दूसरा मैंने बजर लिया। तो डिफाइन PIR 3 यानी कि जो PIR सेंसर उसको हमने कहाँ पर कनेक्ट किया, 3 पे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 3 लिखा। उसके बाद डिफाइन बजर, बजर मैंने कनेक्ट किया 13 पिन से तो मैंने इसको 13 लिखा। फिर आता है वर्ड सेटअप, यानी कि डिफाइन करने की जो काम था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग वर्ड सेटअप में आता है
और बताते हैं कि वर्ड सेटअप में क्या क्या यूज होगा। सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं कि जो दो पिन हम लोग यूज कर रहे हैं, 13 और 3, 3 वाला पिन, वो दोनों आउटपुट है कि इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा इनपुट के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग पीआईआर सेंसर से कोई मोशन डिटेक्ट करेंगे तो ये सिग्नल भेजेगा किसको, आर्डिनो को। तो जो सिग्नल भेज रहा है वहां से तो आर्डिनो के अंदर इनपुट जाएगा, जैसे ही इनपुट जाएगा तो वहां से आर्डिनो बजर को सिग्नल भेजेगा कि तुम ऑन हो जाओ, यानी कि जो 3 पिन है वो इनपुट की तरफ काम करेगा और 13 पिन है जो आउटपुट की तरह काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा कि पिन मोड पीआईआर जो है वो इनपुट रहेगा और पिन मोड बजर जो है वो आउटपुट रहेगा। और मैंने यहाँ पे सीरियल मॉनिटर ऑन कर दिया ताकि हम लोग जो भी रिजल्ट वहाँ से आएगा वो सीरियल मॉनिटर पे हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं वर्ड लूप। वर्ड लूप में क्या करना है कि एक वेरिएबल हमने बनाया जो कि वैल्यू होगा, यानी कि जब भी यहाँ से कोई भी सिग्नल आएगा तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो हमने बनाया वैल्यू, ठीक है, इंट नाम का एक वैल्यू बनाया जिसमें कि वहाँ से जो भी सिग्नल आएगा वो कैप्चर करेगा। तो हमने लिखा डिजिटल रीड। अब एक बात समझो, हमने पिछले वीडियो में जब क्या बोलते हैं उसको, फ्लैक्स सेंसर का यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने A0 पर जो भी कनेक्शन किया था उसके लिए लिखा था मैंने एनालॉग रीड, क्योंकि ये एनालॉग पिन से कनेक्ट किया तो मैंने एनालॉग लिखा, और यहाँ पे मैंने डिजिटल पिन से कनेक्ट किया तो यहाँ पे क्या लिखा, डिजिटल रीड। इससे डिजिटल रीड लिखने से मतलब है कि यहाँ से कोई भी डाटा को हम लोग ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। डिजिटल रीड कहाँ से लेना है, तो PIR यानी कि 3 पिन से हमको इनपुट लेना है। उसके बाद मैंने लिखा सीरियल डॉट प्रिंट एलएन वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू आएगा वो कहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सीरियल मॉनिटर पे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद 600 का हमने 600 मिली सेकेंड का मैंने डिले लिया। उसके बाद मैंने बनाया एक स्टेटमेंट जो कि चलेगा इसके इनपुट पे। तो मैंने बोला कि वैल्यू अगर 1 हो, वैल्यू इज इक्वल टू 1, अगर वैल्यू हाई आ रही है या 1 आ रहा है, तो जो डिजिटल राइट यानी कि जो बजर है उसको हाई कर दो, नहीं तो बजर को लो ही रखना। इतना समझ गया कोड, यानी कि वैल्यू अगर 1 आएगा तो ये बजेगा, अगर 0 रहेगा तो ये नहीं बजेगा, ठीक है। चलो अब इस काम को हम लोग सेम टू सेम अपना टिंकर कैड पे करके देखने वाले हैं और वहाँ पे समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। तो चलते हैं टिंकर कैड पे और मैं आपको बता दूं कि अगर आप आर्डिनो के कोर्स में इंटरेस्टेड है तो ये वाली प्लेलिस्ट आप ज़रूर से बुक मार्क कर लें, ताकि इस वीडियो में जो ये प्लेलिस्ट में जो जो भी वीडियो आएंगे वो आपको मिलते रहे और आप बहुत अच्छे से आर्डिनो को सीख सकें। तो ठीक है, आप अपना टिंकर कैड ओपन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर टिंकर कैड को बुक मार्क करके रखा है, इस तरह से आप मेरा आर्डिनो के कोर्स को भी बुक मार्क करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैं खोज लेता हूँ जो मैंने फ़िलहाल में बनाया, देखो यही वाले वो प्रोजेक्ट है जो मैंने फ़िलहाल में बनाया, और इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर कोड नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ आपको दिखा दूंगा कि वहाँ पे कोड लिखा हुआ है। और कोड का एक्सप्लेनेशन तो मैंने पहले दे चुका हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे पूरा कोड दिखाया आपको और पूरा उसको समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोड लिखे टाइम बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद मैं चलता हूँ कोड में और यहाँ पे देख सकते हैं वही कोड यहाँ पे सेम टू सेम लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं समझा देता हूँ फिर से कि यहाँ पे एक बजर मैंने लिया, ठीक है, उसका जो सिग्नल पिन है उसको मैंने 3 से कनेक्ट किया और जो पावर पिन है उसको मैंने 5 वोल्ट से कनेक्ट किया और जो ग्राउंड पिन है उसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया, ठीक है। बजर का एक पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने 13 पिन से लिया और नेगेटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड से लिया, ठीक है। इतना वायरिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं कोड की तरफ चलता हूँ और देख सकते हैं कोड जो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया सेम टू सेम वही कोड यहाँ पर बना हुआ है। अब हम सिंपल सा इसको करेंगे स्टार्ट सिमुलेशन, उसके बाद देखेंगे कि सीरियल मॉनिटर पर कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब देखो स्टार्ट सिमुलेशन स्टार्ट हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे कि सीरियल मॉनिटर पर कौन सी वैल्यू आ रही है। तो देख सकते हैं सीरियल मॉनिटर पर 0000 आ रहा है, यानी कि कोई भी मोशन डिटेक्ट नहीं किया है और इसीलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। ये वैल्यू जो प्रिंट कर रहा है वो कितना कर रहा है, 0 प्रिंट कर रहा है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ और इसकी जो मोशन ये वाली
जैसे इसको इधर करूँगा आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 1 आया था, ठीक है, कुछ समय तक 1 आया जब तक वो मोशन डिटेक्ट किया। फिर मैं ऊपर करूँगा, फिर से 1 आया और बजर बजा था, आप देख सकते हैं बजर बजा भी था। और देख सकते जैसे ये 1 होता है यहाँ पे बजर ऑन हो जाता है, जितना देर इसको मोशन डिटेक्ट रहेगा ये अपना बजर और वैल्यू दोनों भेजता रहेगा। जैसे ही मोशन डिटेक्ट करना बंद कर देगा यहाँ पे आउटपुट में ये 0 0 देने लगेगा और बजर को भी ऑफ करेगा। तो इस तरह से आप पीआईआर सेंसर में कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और पीआईआर सेंसर का कोड आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पूरा तरह से समझ में आया तो मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कर देना जो भी।